अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी हमारे पास साजो सामान लोगों ने भेजा है लोगों की मदद के लिए। अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमारे साथ तआवुन करते हैं और लोगों के लिए आसानियां फराहम करते हैं। हम अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को ये वीडियोस भी दिखाते हैं और लोगों की हेल्प करते हुए भी दिखाते हैं कि कैसे लोगों तक आसानियां पहुंचती हैं और लोग आप लोगों को दुआओं से नवाजते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रेसेस वगैरह भी आ चुके हैं और राशन मसाले, कुछ सिले हुए कपड़े हैं जो हम वक्तन फवक्तन गरीब लोगों में, आबादी में, मुस्तहिकीन में बांटते हुए आप लोगों को दिखाएंगे वो तमाम वीडियोज़ भी। और हमारे पास कुछ अनस्टिच ड्रेसेस हैं जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। हमारे ये कहाँ से आए हैं, किसने हमें दिए हैं और किन लोगों को बांटने के लिए दिए हैं? तो जनाब, ये हमारे ऑनर हैं, हमारे मालिक मकान हैं जो हमारे पास आए थे हमसे मिलने के लिए। हमारी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने हमें ये माशाल्लाह से बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह दिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं भी दी उन्होंने हमें और हमें ये कहा कि जनाब आप ये चाहें तो इनको सिलवा कर लोगों तक पहुंचाएं, उनको दें, और अगर आप चाहें तो इनको अन स्टेज भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे ड्रेसेस हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम इनको सिलवा के लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसके लिए बस यही था कि हमें किसी अच्छी दर्जन की या दर्जी की किसी टेलर की नीड है। अगर आप में से किसी को अच्छी सिलाई आती है और मुनासिब कीमत पर ये सी दें तो ये गरीब लोगों में, मुस्तहिकीन में इन ड्रेसेस को जो है वो सिलवा के पहना दिया जाए, बांट दिया जाए। क्योंकि जिस महंगाई के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उस वक्त तो समझ लें लोग, मैंने अपने खुद अपनी आँखों से देखा है कि लोग चाय की पत्ती उबाल उबाल कर और उससे रोटी खा रहे हैं। तो जब जनाब जब ये तमाम चीज़ें उन लोगों तक पहुंचेंगी तो क्या उनकी दुआएं अर्श को नहीं छुएंगी? अल्लाह ताला आपकी इन नेकियों को कभी ज़ाया नहीं करेगा। और सबसे बड़ी तो खिदमत यही है, सबसे बड़ा इस्लाम का पसंदीदा अमल यही है कि लोगों को आसानियां फराहम की जाएं, उनको खाना पेट भर के दिया जाए। तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है और वसीला हम लोग बनते हैं। बताया गया जो कुछ वरीशा ने बोला है क्या वो बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल गलत बोला है? ईशा तो मुझसे जलती है तो ईशा को ये चीज़ गलत ही लग रही होगी, लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं उनको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। हम शाम में अब स्कूल से आए थे, सो गए थे नमाज़ वमाज़ पढ़ के, अब नमाज़ पढ़ के अब हम सो गए थे, तब हम उठ चुके हैं। अम्मा सर की नमाज़ पढ़ रही हैं और हम यहाँ पर अपनी रूटीन शेयर करेंगे आज आपके साथ फिर से। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि शाम का व्यू हो कैसा है। शाम के मौसम में चाय पी जाती है तो हम चाय बनाने जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और ये हमारी दुनिया है जो कितनी खूबसूरत है। और आप लोगों से मुझे एक बात और शेयर करनी थी, एक टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग नेगेटिव होते हैं वो कुछ शायद इस तरीके से सोचते हैं हमारी इन ब्लॉग्स को, तो मैं आपसे वो बाद में शेयर करूँगी। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस हमारे साथ ज्वाइन ही रहिएगा। और वो टॉपिक ये है कि जो लोग बोलते हैं कि भाई आप मदद करते हैं, तो ये हमारे लोग हैं जो मुझसे भी बोला है, मम्मा से भी कमेंट्स में बोलते हैं, मैं कमेंट्स वालों की बात नहीं कर रही, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि मदद ऐसे करो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले। भाई एक बात सुन लो कि भाई आप अगर एक बैठे हुए हो, बेनमाजी बैठा हुआ है घर के अंदर, वो देख रहा है क्या यार ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कुछ तो बात होगी ना जो ये नमाज़ पढ़ रहा है। तो वो देख के क्या सीख रहा है कि नमाज़ पढ़ना सीख रहा है। नमाज़ भी फ़र्ज़ नमाज भी हमें दिखा के पढ़नी चाहिए। और हाँ एक बात और है कि भाई आप मदद कर रहे हो ना, तो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया कि आप मदद करो, मदद से ही लोग जो है एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। अगर
आप जो है मदद नहीं कर सकते तो आप किसी को जज भी नहीं कर सकते, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। जब आप खुद मदद नहीं कर रहे किसी और की, वो ये बोलते हैं भाई 10 रुपये भी दो तो फिर दिखा के ना दो। अल्लाह ताला ने ये भी तो बोले कि आप मदद करो, आप तो नहीं करते। हुकूकुल इबाद की सबसे बड़ी पकड़ है, तो अगर हुकूकुल इबाद ही नहीं निभा सकते सही से तो आप दूसरों को जज भी क्यों कर रहे हो? आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को जज करो, किसी से बोलो कुछ भी। आप मुझे कमेंट से बताया कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। ये बस कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भाई, अब मैं उनसे क्या बोल सकती हूँ। मैं उनको बस यही बोल सकती हूँ कि भाई अल्लाह सबको देखता है और सब देख रहा है और सब जानता है भाई। हमारी नीयत अच्छी है, जो दूसरे बंदे भी मदद कर रहे हैं वो दिखा के कर रहे हैं, वो मुल्क में अच्छाई बांट रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि भाई देखें हमारे जो लोग हैं उनको हम किस तरह खुश रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को हुकूकुल इबाद की किफालत ही पसंद है। जहाज़ ऊपर से जा रहा है, देख सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा कि मैं क्या सही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो लाइट ऑन हो चुकी है, अब हम बनाएंगे चाय। तो ईशा तुम कैमरा पकड़ो और लोगों हमारे व्यूवर्स को दिखाते कि भाई हम चाय किस तरह बनाते हैं। चाय मम्मा ही बनाती है। आज की चाय इसलिए बनाया क्योंकि आज जुम्मा है और हमारा कोई अभी काम भी नहीं है, हमारे और मम्मा भी नमाज पढ़ रही हैं। तो गाइस शाम की चाय पे हम आ चुके हैं। रोज वैसे मम्मा ही चाय बनाती है, आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज जुम्मा है, शाम की चाय हमेशा वरना मम्मा ही बनाती है रोज। सुबह नाश्ता वास्ता देखे मम्मा ये तो बिल्कुल तुम्हारी कलेजी वाली आग लग रही है। हाँ, जो मेले होती है। शाम के लिए हम इस वक्त अभी हम करेंगे इसका कुछ इंतजाम के चाय के साथ हम ब्रेड सेकेंगे और अपने आप को पेश करेंगे। और कल मम्मा ने हमें फ्राइज बना के दिए थे और वो हमने दिखाए नहीं। अब हम इसके अंदर पानी भरेंगे। कितना भरेंगे? तो इसे हम खोलते हैं, इसमें से चीनी पत्ती वगैरह निकाल लेते हैं। ये हमारी अम्माओं का खाना होता है जिससे वो खाना बनाती हैं। सही बात है। आप चीनी बनाओ, ये मैं बनाती हूँ। मम्मा बनाती हैं चाय। ओवर हटो तो मीडियम, तुम ये बनाओ, कुछ और ही डाल के बैठ जाओगी। सो सबसे पहले हम पत्ती डाल देंगे। ये हमारी शाम की रूटीन है, आप ये मत बोलिएगा कि आप चाय बनाते हुए दिखा रही हैं। मतलब हमारा दिल कर रहा था, हमने भाई आपको शाम की रूटीन भी दिखा दी भाई, आप चाय बनाते हुए भी दिखा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रूटीन शेयर कर रहे हैं। अच्छा हो गया आपका, बस हो गया, अब ये सब हो चुका है। मेरा बिस्किट खाने का दिल चाह रहा है लेकिन हम ब्रेड से चलो भाई चायाँ बन गई। कहना चाह रही थी कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि पेन के बारे में क्यों बोला कि मैं पेन पर मरती हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम लोग की तरफ से लेके जा नहीं रही फालतू में, मुझे नहीं बोला करो क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे बोलने का। और तुम बोल लेती ना कि मैं बगैर स्कार्फ के आती हूँ ये सब बोलकर, मैं इस तरह नहीं आऊँगी अब तुम लोग को जलाने के लिए। और यहाँ किताबों का कुछ इस तरीके से हाल हुआ है भाई। और ये वाला देखें, ये मैंने बनाया था लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए बनाया था, अपने लिए और मैं अपने बहन के लिए, जैनब के लिए, मेरी बहन है कौन है और वो मेरे और हम सब के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। कौन? मम्मा आप आई हैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गई। हाँ बेटा, हम जो शाम की चाय बना रहे थे अम्मा, वो ब्रेड सेक रहे थे। मुझे भी चाय बना जी अम्मा, चाय बना चलो चाय बनाते हैं जी अम्मा, हाथ धो के बनाइए। सो गाइस इसमें से हम निकालेंगे ब्रेड, ये हमारी ब्रेड हम निकालेंगे और दूध तो तब निकालेंगे ना जब चाय बन जाए। तेरे को सिखा रही क्या? मुझे नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें नहीं आता बस, मैं तो मैं ही सिखा रही हूँ। ओहो पतीली तो जल रही है, आज बिल्कुल हल्की करनी पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा ने बनाई ना चाय, इसकी जल्दी बची थी। हंसना था? हाँ हंसना था। चलो भाई सब मिल के हंसते हैं फिर। ये गर्ल्स कैंकी। सो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ कपड़े धोए थे, ये वो कपड़े हैं और ये ईशा है और यहाँ पार्टी हो रही है। ये गमले दिखाते हैं कितने सारे हैं, जो कि आज तक मैंने इतने सारे गमले देखे वो भी एक घर में। लिटरली आई एम शॉक्ड कि मैंने देखा कि ये यहाँ पे क्या कर रहे सारे पौधे। बिल्कुल ओवर रिएक्टिंग कर रही है। हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ का व्यू व्यूअर्स बोलेंगे, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए क्या? नहीं जाओ जाओ दिखा दिखा। और यहाँ इतनी अच्छी
की व्यू और हवा है कि दिल को सुकून मिलता है, और मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है। अल्लाह का नाम लाते भी चल रही ना, और सुकून मिल रहा है। जो बात है सुभान अल्लाह। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि अब जो है चाय बेचारी जो है लग चुकी होगी, और तवा जो है बिल्कुल ही। तुम तो आते ही नुकसान पे लग गए भाई। अच्छी तरह बताए नुकसान कौन करता है, सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? आप पहली की पहली बार फ्राई। हाँ, इस तरह तो होता भी नहीं है, क्या कर रही हो? तो देख सकते हैं गाइस, हम इस तरीके से ब्रेड जो है फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। ओह माय गॉड, ये इनके फुवड़ बना, ये इनका काम है, देख सकते हैं आप। फुवड़ बना, नीचे गिरा दिया। फुवड़ बना, फुवड़ बना, इतना मत दबाओ ऐसा ना हो कभी टूट जाए। है भाई परीक्षा, ऐसा ना हो कभी टूट जाए, क्या ही बोल सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यही बताती चलूँ कि मेरी स्टडीज़ कैसी जा रही है, पर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि आज असेसमेंट मंथली टेस्ट, भाई मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो मैं आपको बता दूँ आज मंथली टेस्ट कौन सा था मेरा, आज था मेरा मैथ, जो कि बहुत ईजी था यार। मेरे तो आ जाएंगे 25 में से आ जाएंगे आराम से 24 या 23। सो भाई बस मैं, अच्छा पढ़ाई तो अच्छी जा रही है अल्लाह का शुक्र। आप लोगों को बताएगा आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे जा रही है। भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ क्या हो रहा है यहाँ पर, कितनी अच्छी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पार्क हो रही है भाई, लाइन बाय लाइन खड़ी होती हैं गाड़ियाँ। वैसे क्या हुआ, बनाया प्लेट क्यों बनाई है साइंस वालों ने, हैं इसलिए बनाई कि आप जमीन पे रखे स्लिप पे। मम्मा डांटेंगी, देख लेंगी तो वीडियो। अरे चुपचाप बताओ, मम्मा देख लें आप वीडियो, देखेंगी तो देख लें आपकी बेटी क्या कर रही है। अभी तो सीखी नहीं, मैं वीडियो बना के आ गई वहाँ से। नहीं सुस्त क्यों हो गई भाई तुम, सुस्त लड़की, देख सकते हैं अभी तक सीखी नहीं इसने, देखा सुस्त कहीं की। लोग आजकल बहुत जज कर रहे हैं कि मतलब ये वो ये वो ये, भाई हमारी मर्जी हम जो कुछ करें। मैं निकाल दियो, कितनी बार फ्रिज खोलोगी वैसे ही फ्रिज खराब, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। दूध निकाल लियो, दूध निकाल लियो। अच्छा जल गई, चाय जल गई यार, ये क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, ये चाय जल गया। अल्लाह माफ नहीं, इसने क्या कर दिया, ये इसे नुकसान कर दिया इतना बड़ा, इसको तो कुछ भी नहीं आता, देख सकते पतीली सारी सड़ गई है यहाँ पर, क्या हो गया। अम्मा देख ले आपकी बेटी क्या कर रही है, कारनामे देख ले। इसमें नेक्स्ट मंथली टेस्ट है, वो है कंप्यूटर और साइंस दोनों एक साथ। इसमें हम दूध डालेंगे इस तरीके से, यू नो मतलब जो होटल में डलती है ना, इस तरीके से। बस ओवर हो रही है बहुत कुछ। तो पीस से क्या आप देख सकते हैं, वो मेरा हाथ जल गया यार, देख सकते हैं बताओ जरा। ऐसा आप देख सकते हैं मेरा फुल लुक, और मेरी पोनी, और मेरे घड़ी जो कि मैंने बिल्कुल नहीं लिया, और मेरा फेस, नए कपड़े पहने आज मैंने ब्लॉग में, मेरा भी फुल लुक देख लें भाई। क्या फुल लुक है इनका, देखो बखाने वाला। अच्छे लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। अभी तुम अगर आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वीन है, पूरी पाकिस्तान की क्वीन, क्वीन ऑफ पाकिस्तान ईशा दिशान। थैंक यू, वेलकम। क्वीन नहीं, मैं तो पाय भी डालू। चाय बन रहे, पाए बन रहे, मुझे ये बताओ पाए बन रहे भाई, पाए गले नहीं ना अभी। पागल लड़की, पाया बना रहे बैठ गए ऐसे लग रहा है। रोटी मंगवा ले पाए के साथ। हाँ मंगवा लो, हरा धनिया पुदीना वाली मुंह भी मंगवा लो। अभी रोती हो तुम, मुझे तो पता ही नहीं था सफाई से बनाना भाई। इतनी साफ सुथरी तो नहीं हो तुम वैसे यार। साफ तरीके से बनाने को बोला है मैंने, ना कि गंदे तरीके से। ओह माय, फुवड़ कर देखें जरा, एक दिन ही गिरी चाय, चाय गिरी कप पे, एक व्यूअर्स को दिख रहा है, व्यूअर्स से भी झूठ बोलोगे क्या आप? हाँ, मैं न्यू वॉच बाय करी है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:53 हो रहे हैं। इसमें आप दे सकते हैं, यू नो मुझे घड़ी बहुत प्यारी लगती है, मम्मा ने मुझे बहुत प्यार से दिए ना, यू नो मोहब्बत है मुझे इससे। ओहो, अभी तक नहीं हुई चाय की बात, 3 घंटे बोल रही हूँ, गम क्यों बता रही हो? चाय भी गिरा दी फोड़ ने, चाय बना रही हूँ मैं, चाय फोड़ ने चाय भी गिरा दी, 6 घंटे से चाय बना रही हूँ मैं, 6 घंटे बस। मम्मा ये ले आई मैं, ब्रेड तो नहीं खाती तुम्हें पता है, चाय दे दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम दोनों पी लो मां बैठकर। अच्छा मम्मा ठीक, मम्मा चख के बताएं। सो गाइस, अब हम इसे खाते हैं, और ये हमारी शाम की रूटीन थी, कमेंट्स करके बताएगा कि आपको हमारी शाम की रूटीन कैसी लगी। ये तुम तो बताओ का मतलब के चाय कैसे बनी, 3 घंटे में तुमने ये चाय बनाई, ये इतनी काली, और ब्रेड भी इसी ने सेकी, ये भी ले मुझे 3 घंटे में, चाय बनाई थी, पाया बना रही थी, सीख जाओ हैं, खुद बना लेती है। ऐसे क्या बोल दियो, हाँ ना खुद करती है ना दूसरों को भी जज कर रही है बैठ के, ना शुक्री कहेंगी। छोड़ दो मेरी ब्रेड, वो तो मैं खुद भी खा लूंगी,
मेरी चाय भी छोड़ दो, मैं पूरी एक कप चाय पी सकती हूं। होगी दे दो मुझे पीने। मम्मा देख रही है? देख ही रही हूँ मैं सुबह से दोनों को। क्या है कि जब भी इनके घर में मीठा पानी आता है ना तो ये सबको देते हैं, मना नहीं करते। फीस अवेलेबल है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर यहाँ पे बोरिंग हो जाती है तो 20 से 25 घरों को मिलेगा। जी जी बिल्कुल मिलेगा। और आप बता रहे थे सामने क्या है? बागड़ी है बैठे हुए, वो गैर मुस्लिम है, उन बेचारे के पास तो पानी भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचारे ऐसे बैठे हुए, यहीं से हम लोगों से लेके वो भरते हैं पानी। बागड़ी से मुराद मतलब नॉन मुस्लिम? हिंदू है, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम है वो। और हम इसलिए मना नहीं कर सकते ना, अगर हम मना करेंगे मुसलमानों के पानी का मना कर। नहीं नहीं, हमारा मजहब तो ये तालीम नहीं देता, तालीम ही नहीं दे रहा है। इंसानियत का दर्ज देता है कि गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हम अपनी बत्ती जला कर जो है उसका बिल भी हम खुद भरते हैं ताकि इनको पानी मिल जाए, इनको आराम मिल जाए बेचारों। बहुत अच्छी बात है, बल्कि मुझे इनसे मिलकर ज्यादा खुशी हुई कि इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि अगर सामने गैर मुस्लिम है तो वो भी है तो इंसान ही ना। इंसान है बिल्कुल, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अच्छा भाई आप बताएं क्या कह रहे हैं, कहाँ पे बोरिंग करानी चाहिए? बस भाई देखो आप मुतमैन हो यहाँ पे करवा दो तो हम खुशी में। और दो बेटियाँ हैं, वो उनको शौक है पढ़ने का, वो चाहते कि हम लोग पढ़े ताकि आगे जिंदगी में कुछ बन सके। तो आपकी बेटियाँ अभी स्कूल नहीं जाती हैं? नहीं अभी नहीं जाती हैं। अच्छा बेटा आपको शौक है दोनों को पढ़ने का? बहुत आंटी हमें पढ़ने का बहुत शौक है। चलो क्या पढ़ी तो कुछ ठाई था, हम पढ़ेंगे तो आगे कुछ बनेंगे ना। तो मतलब अभी तक आपने स्कूल का कुछ नहीं पढ़ा ना, कुरान की कोई तालीम हासिल नहीं करी? मेरे को आता है पढ़ना, इतना फुल नहीं पढ़ी हूं। यानी आपको पढ़ना चाह रही हैं आप? हाँ। चले पढ़ाई के लिए कोई तालीम के लिए कोई उम्र की कोई कैद नहीं होती है। और इंशाल्लाह मदरसा बन रहा है वहाँ पे, आप शौक होना चाहिए आपको। शौक होना चाहिए कह रही हैं, पढ़ाई की कोई उम्र कैद नहीं होती, किसी भी उम्र में बंदा पढ़ सकता है। मेरी बेटी का अभी भी शौक है कह रही है मुझे कंप्यूटर पढ़ा ले, मेरे इतना वो नहीं हो रहा। लैंग्वेज कलियर ने इंटर पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ी हुई है, हदीस पढ़ी, लेकिन अभी भी कंप्यूटर सीखना चाहती है। लेकिन मेरी लड़कियों को तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना बच्चियों को शौक है, इंशाल्लाह ये ज़रूर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बेटियां पढ़े वो हमारी तरह जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी ऐसे ना गुजारे, ताकि आगे अपना काम धंधा करे, अपने घर को संभाले, अपने ज़िंदगी बना सके। हम भी खुद ये कोशिश करते हैं कि हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो जनाब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपनी मोहब्बतों में शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को याद रखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और वरीशा ईशा की व्लॉगिंग को अप्रिशिएट कीजिएगा क्योंकि आप बच्चियाँ आपको इंटरटेन करती हैं और चाहती हैं कि आप हमसे ज्वाइन रहें। और अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।